सो हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और सॉरी दोस्तों, आपको काफ़ी दिन से वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि देखिए सारी स्ट्रैटेजी जो थी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है, कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। बट अब फाइनली देखिए डी डे यानी कि जो डिसीजन डे होता है 4 सितंबर आ चुका है, अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम में जाने से पहले 2 या 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो आप जरूर ध्यान रखें जिससे कि आपकी तैयारी जो है उस वो और निखर के और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो, ठीक है। जो छोटी मोटी गलतियाँ बाकी लोग कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब एक होता है ना कि आपको आ रहा है उसके बावजूद आपके नंबर कम आते हैं, इन गलतियों के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो उनको आप एकदम ध्यान से सुनेगा पूरी वीडियो। लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं मुझे एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्या देखिए आप लोगों का एग्जाम है 4 तारीख से स्टार्ट है, तो 4 को किस किस का है? AEN इलेक्ट्रिकल वालों का और AEN मैकेनिकल वालों का और JEE सिविल वालों का, JEE मैकेनिकल, ठीक है। तो इन स्टूडेंट से और इसके बाद जितने भी स्टूडेंट है, अच्छा आप लोग पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट देखिए, अगर उसे वो मुझसे किसी भी तरह से अगर ताल्लुकात रखता है या फिर उसको मुझे मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लगती है और अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो जनरली या फिर सब बच्चों की, तो आपको क्या करना है, आपका अगर 4 तारीख को एग्जाम है तो आपको मुझे कमेंट कर देना है, सर मेरा 4 तारीख को एग्जाम है और मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं पर्टिकुलरली आपसे बात करूँगा और आप को करना है क्या कि आपका एग्जाम किस तरह का हुआ, किस तरह के क्वेश्चन है वो आपको बताना है, ताकि आने वाले दिनों में जिन बच्चों का स्टूडेंट है, देखिए अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमारा पेपर हम दूसरों को क्यों बताएं। मान लीजिए आपका मैकेनिकल पेपर है, तो भाई इलेक्ट्रिकल वाले आगे जो सिविल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले किसी वाले हैं, उनको तो हेल्प मिलेगी ना। और अब आप बोलो कि सर हमने बता दिया पेपर इस तरह का है, तो एक दिन में आप बताओ 10 दिन में कोई झंडे गाड़ लेगा क्या है? मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन का समय मिलेगा, तो क्या वो 3-4 दिन में बहुत अच्छी तैयारी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एकदम होता है ना हबड़ दबड़ में, यार ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाता है। आपका सपना देखिए आप नहीं बताओगे तो कोई और बताएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी स्टूडेंट मुझे बताना चाहे कि सर पेपर कैसा हुआ कैसा आया, तो वो अपना नाम मेंशन कर दें या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है AJ_Abhishek G, ABHISHEKJI, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं abhishekjain1495@gmail.com पर। आप मैं दोनों चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप मुझे अपने क्वेश्चन पेपर, अच्छा इसके अलावा आप कहाँ कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोग जुड़े हैं तो इससे आप लोग दूसरे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, तो ये काम आपको जरूर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है जो जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, ठीक है। और देखिए आप मुझे कमेंट कर बताना क्या मैं एग्जाम सेंटर पर लाइव जाके आपके लिए वीडियो बनाऊँ, अगर आप लोग चाहते हो कि, तो ये मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दूर एग्जाम सेंटर होता है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एग्जाम सेंटर पर जाऊं और वहां जाके आपके लिए वीडियो बनाऊं लाइव, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए बात करते हैं, देखो अभी टेक्निकल के 60 क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल के 80 क्वेश्चन, आपको पता है ये चीज़ आने वाली है। अब टेक्निकल का अच्छा अब जो डाउट अब जो थोड़े बड़े डाउट रहे ना, पहली बात तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑफलाइन कई है कुछ बच्चे, ठीक है, आप बोलो सर हमको पता है कुछ बच्चे हैं। अब पार्ट ए और पार्ट बी पर टाइम मिलेगा, पहले के जो 1 घंटा 60 मिनट है उसके में उस टाइम पे सिर्फ आपके पार्ट बी सामने आएगा, पार्ट ए सामने आएगा, पार्ट बी सामने नहीं आएगा। अब पार्ट ए के 60 क्वेश्चन आएंगे, अब उन 60 क्वेश्चन में से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, हर क्वेश्चन के लिए टाइमिंग सेट नहीं है, आपकी मर्जी है, पहला करो 60वें नंबर का करो। अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन करते समय आराम से पढ़ना, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वेल एंड गुड है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना और उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना एक एक करके। मान लो अगर आपको 30 क्वेश्चन भी आ गए और बाकी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं, धीरे धीरे सोच समझ के तुक्का लगाने की कोशिश करना। देखो एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है कि यार अगर ये 4 ऑप्शन है, इन 4 में से ये 2 तो डेफिनेटली नहीं होंगे, ठीक है, इन 4 में से ये 2 तो नहीं होंगे, बाकी के बच्चे 2, अब उन दोनों में से जो आपको पसंद आ रहा है उसको टिक कर दो। इससे क्या होता है जो प्रोबेबिलिटी है किसकी क्वेश्चन के सही होने की, वो 1/4 से 1/2 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, अपने को आधी प्रोबेबिलिटी 25% से बढ़ के आपकी उम्मीद 50% पर आ जाएगी, तो आपको एलिमिनेट करने वाला मेथड जरूर अपनाना है, ध्यान रखना एलिमिनेशन मेथड इज बेस्ट। अब आगे बात करते हैं, अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट आप समझ गए, जो पहले आ रहा है बस क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो आ रहा है उसको टिक करो, न्यूमेरिकल करने मत बैठना, जो क्वेश्चन आया उसको टिक कर आगे बढ़ा, जो क्वेश्चन आया उसको टिक कर आगे बढ़ते जाओ, जो छूटते जा रहे हैं उनको छोड़ते जाओ, रिटर्न आओ अब देखो कौन सा छूटा, अगर वो थ्योरी वाला ही था दिमाग मत लगाओ, अब जाओ न्यूमेरिकल वाले पे, क्या न्यूमेरिकल वाला आपको सॉल्व करना आ रहा है? आ रहा है तो करो ट्राई, नहीं आ रहा छोड़ दो, अब थ्योरी वाले में तुक्के वाला फिट अपना तुक्के वाला मामला सेट करना है। अब बात करते हैं पार्ट बी में, तो पार्ट बी में राजस्थान जी के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ो, आता है तो ठीक, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है, फिर वो तुक्का तो अपन बाद में लगाएंगे, आता है तो ठीक, नहीं आता तो रॉन्ग करते आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से अब पार्ट बी में आपको सेपरेट 60 मिनट का टाइम मिलेगा और उस 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, 80 क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए आपको करना है राजस्थान जी के, अब यहाँ पे टाइमिंग 5ों चीज़ के लिए एक है, अब आप 5ों चीज़ में से किसी भी चीज़ पे कभी भी स्विच कर सकते हो, आप रीजनिंग करना चाहते हो, आप मैथ्स करना चाहते हो, आप हिंदी इंग्लिश या फिर आप जीके करना चाहते हो, तो वो आपकी मर्जी के ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो, तो आप अपने कंफर्टेबल के सबसे देख लेना आपको क्या करना है, बट वहाँ भी जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसे टिक करेंगे, बाकी के अपन आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप्स, ठीक है। एक बार फिर कह रहा हूँ जिन भी लोगों का एग्जाम है, आप मुझे अपना नाम
ठीक है, आप अगर मुझे अपना कांटेक्ट नंबर देना चाहे कांटेक्ट नंबर, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि आप अगर आपने क्वेश्चन मुझे बताना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें मैं आप लोगों से बात करूँगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हो कि उसका एग्जाम कैसा हुआ है, अगर वो मुझसे डिस्कस करना चाहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और पोल भी रखेंगे कि भाई कितना स्टूडेंट कितने अटैम्प्ट करके आए, तो उस पोल में भी आप लोगों को ज़रूर हिस्सा लेना है, ठीक है, पोल में आपको ज़रूर पार्ट करना है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, के आप के बारे में देखिए, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी के बारे में बात करें तो वही रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग में ध्यान रखना कभी भी सर्किल सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट नहीं करना है, सिटिंग अरेंजमेंट में अटकना ही मत, उसको छोड़ देना। इंग्लिश आते तो ठीक, आपको पहले देखिए राजस्थान जीके, हिंदी और मैथ्स, ठीक है, अगर मैथ्स आती है तो राजस्थान जीके हो गई, हिंदी हो गई और रीजनिंग हो गई, ये तीन टॉपिक पर आपको पहले जाना है, फिर इंग्लिश आती तो ठीक और मैथ्स आती तो ठीक, ये चीज़ आप लोगों को करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से अटैम्प्ट करना हो सके, मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको जो अटैम्प्ट करने हैं 150 आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने ही आने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 60 क्वेश्चन वहाँ से, तो आपके पास देखिए कितने क्वेश्चन, सॉरी 150 नहीं 60 क्वेश्चन तो वहाँ हैं, 80 क्वेश्चन आपके पास वहाँ हैं, तो कितने होंगे आपके पास में टोटल 140। अब 140 में से आप मान के चलिए आपको 110 या 120 क्वेश्चन तो डेफिनेटली अटैम्प्ट करके आने ही आने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। या फिर बात करें टेक्निकल में, अगर बात करें आपको मिनिमम, अगर टेक्निकल में बात करें तो 40 से 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, नॉन टेक्निकल में बात करें तो आपको 60 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेंड करने ही हैं, अटैम्प्ट, ठीक है, 60 क्वेश्चन मिनिमम अटैम्प्ट करने हैं, तो वहाँ 60 नंबर और वहाँ देखिए 90 नंबर के आसपास अगर आपके 80 नंबर भी आते हैं वेल एंड गुड हैं, तो इतने तो आपको अटैम्प्ट करने हैं। और ध्यान रखना अगर गलत नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मत करना, सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट कहते हैं यार ठीक है टिका दो, और बहुत ठीक है, हम भी इस तरह की गलती बहुत करते थे, लेकिन आपको ये गलती नहीं दोहरानी है, आता है तो ठीक, नहीं आता तो रहने दो, कोई बात नहीं, अगर 50 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो रहे तो 50 क्वेश्चन करना है, लेकिन हमें नहीं जाना बेवकूफ़ी वाली नहीं करनी है। तो यही मेरे लिए देखिए आपका अभी, अब देखो अब आज का लास्ट दिन है, सर क्या करें, कुछ नहीं करना, रिवीजन जितना करना था कर लिया, जो देखना था देख लिया, एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लो, बेसिक अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स बना रखे उनको रिवाइज कर लो, अब करंट अफेयर की एक वीडियो, ध्यान रखो मैं बता रहा हूँ फिर से, करंट अफेयर मेजर रोल प्ले करेगी। तो अब देखिए अगर आप पूरे दिन में अगर आप कुछ करना चाहते हो, 48 नंबर की राजस्थान जी के कुछ गेन करना चाहते हो, वाकई में 3 घंटे की वीडियो है, ठीक है, 3 घंटे की वीडियो है, मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो देख लो, जीवन सवर जाएगा आपका। फिर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस की मैंने वीडियो डाल रखी है, वो एक एक वीडियो 20-20 मिनट आधे आधे घंटे की है, वो वीडियोस देख लो, डेफिनेटली आप बोल देना कि सर आपकी वजह से मेरा पेपर में क्या प्रभाव आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और इधर राजस्थान जीके की वीडियोस डाले, ठीक है, व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जेएन इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट है, अच्छा निराश नहीं होना, चाहे किसी का पेपर कैसा भी हो निराश नहीं होना है, इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है, इसके बाद भी आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो आगे के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो भी हम लोग जरूर बात करेंगे, ठीक है। आज अगर आप मुझसे जुड़ चुके हो, अभी सिर्फ आरबीएनएल का एग्जाम एक बार कंडक्ट हो जाए, मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है, कौन से ऐसे कोर्स हैं जो कि आप आगे देख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखो टाइम आ चुका है कि ये नहीं कि 50-60 हज़ार रुपये खर्च करके किसी शहर में जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई करें, नहीं, घर बैठे भी हम अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, आप कौन सा ले सकते हैं आपकी मर्जी हो, आप जो पसंद करें, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाया जा रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप परचेस करना चाहें तो वो भी परचेस करो, पढ़ो आराम से, क्योंकि अगर 10-15 हज़ार में हमारा काम हो रहा है तो हम क्यों ना करें, तो वो चीज़ भी आप लोग जरूर देखें। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें, और कल प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन जरूर भेजना, ठीक है, जो भी बच्चा है जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ आप लोगों से, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन जरूर भेजें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई हो सबका, एकदम फोड़ देना, एकदम फाड़ के रख देना, ठीक है।